प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव एवं पूर्व विधायक तिलक राज शर्मा ने मंडी में पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि देश की जनता का विश्वास अब कांग्रेस पार्टी पर बढ़ने लगा है। सदर ब्लॉक कांग्रेस प्रभारी के रूप में यहां पहुंचे तिलक राज ने कहा कि तीन बड़े राज्यों में कांग्रेस की सरकारें बनने से पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश का संचार हुआ है और पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी के कुशल नेतृत्व में कांग्रेस ने विजय का परचम लहराया है। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनावों में पार्टी संगठन को मजबूत करते हुए पार्टी बूथ स्तर पर अपनी पकड़ बनाएगी, जिसके लिए सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। अभी आगामी जो हमारा मुख्य उद्देश्य है, जो लोकसभा का चुनाव अभी 2019 में होने जा रहा है, उसके लिए अगर हमारा संगठन जिस तरह से हमारा कार्यक्रम चलाया वो चुस्त दुरुस्त इन दो तीन महीनों में होकर हम इसको मजबूत करेंगे, तो निश्चित तौर पर हमारे कार्यकर्ता लोकसभा के चुनावों में अपनी भूमिका निभाएंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से हिंदुस्तान की जनता ने दोबारा से कांग्रेस में अपना विश्वास जताया है, तो निश्चित तौर पर आप देख रहे हैं जिस तरह से पिछले चार वर्षों में मोदी ने किस तरह से अच्छे दिन आने की बात कही थी, लोगों के खातों में 15-15 लाख रुपए डालने की बात की थी। आज आप देख रहे हैं कि किस तरह से रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं, बसों के किराए बढ़ रहे हैं और लोगों को रोजगार के नाम पे ठगा जा रहा है, किसी भी तरह का लोगों की सुविधाओं का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। उसी तरह से हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी अपना एक साल का जश्न मनाने जा रही है, लेकिन मैं दावे से कहना चाहता हूं कि जहां पे पिछले 5 वर्षों में राजा वीरभद्र की सरकार ने पूरे प्रदेश में समान विकास किया, उसके विपरीत आज आप देखें माननीय जो मुख्यमंत्री है या भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, मैं समझता हूं उसमें जो कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं सभी अभी अनसिखे मंत्री हैं, नए मंत्री बने हैं।